नमस्कार, मैं हूं देवांशी मोइत्रा। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने अचानक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हमला तेज कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने तो आरएसएस की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड तक से कर डाली थी, जिसके बाद सवाल उठता है कि आखिर कांग्रेस पार्टी आरएसएस पर इतनी हमलावर क्यों है। दरअसल राहुल गांधी 2019 के चुनाव से पहले सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व के बीच एक लाइन खींचना चाहते हैं। यही वजह है कि वो लगातार आरएसएस को अपने निशाने पर ले रहे हैं। इस बीच खबर ये आई कि आरएसएस अपने एक कार्यक्रम में विरोधी विचारधाराओं के दलों को भी बुलाने की योजना बना रहा है। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी को भी न्योता दिए जाने की बात सामने आई, जिसके बाद इसे लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन कांग्रेस की बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने राहुल को इस कार्यक्रम में नहीं जाने की सलाह दी। आरएसएस का ये कार्यक्रम 17 सितंबर से 19 सितंबर के बीच होने वाला है। वहीं राहुल गांधी को अभी तक इस कार्यक्रम में शामिल होने का आधिकारिक न्योता भी नहीं दिया गया है। लेकिन कांग्रेस ने पहले से ही इस कार्यक्रम से दूरी बनाने के संकेत दे दिए हैं। खबर के मुताबिक कांग्रेस के बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरएसएस की तुलना जहर से करते हुए कहा कि सबको पता है कि जहर खाने के बाद क्या होता है, इसके लिए उसे चखने की जरूरत नहीं है। आरएसएस एक जहर है, ये सब जानते हैं। अगर आप जानते हैं कि सामने जहर है तो फिर उसको चखकर देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जहर को चखने का नतीजा सब जानते हैं। आरएसएस अपनी विचारधारा को फैलाना चाहता है, उसमें हम भागीदार क्यों बने? आखिर ये बांटने वाली और संविधान की जगह मनुस्मृति को मानने वाली विचारधारा है। कांग्रेस नहीं चाहती कि राहुल गांधी आरएसएस के कार्यक्रम में जाएं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर राहुल ऐसा करते हैं तो वो आरएसएस के ट्रैप में फंस सकते हैं। यही वजह है कि वो राहुल गांधी से इस कार्यक्रम में न जाने की अपील कर रहे हैं। खड़गे ने इसके लिए उनकी माँ और पूर्व पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी का उदाहरण भी दिया। दरअसल साल 2007 में आरएसएस ने सोनिया गांधी को अपने कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने ये प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। आपको बता दें कि इससे पहले संघ मुख्यालय में आरएसएस के कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी शामिल हुए थे, जिसे लेकर कांग्रेस को असहजता का सामना करना पड़ा था। कई कांग्रेसी नेताओं को ये बात पसंद नहीं आई थी और राहुल गांधी जिस तरह से आरएसएस को लेकर आक्रामक हैं, अगर वो संघ के बुलावे पर उनके कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो उनकी पार्टी के लिए ये स्थिति सही नहीं होगी।